मामला गत 8 फरवरी का है, जब मल्लाखोल्टा अल्मोड़ा निवासी दिनेश चंद्र के पुत्र दीपक का विवाह हो रहा था। उसकी बारात न्यू संगम बारात घर रुद्रपुर में आई थी। इसी बीच दो अन्य युवक बाराती बनकर बारात में घुस गए और दूल्हे के पिता के पास खड़े होकर बातचीत करने लगे। इस बीच मौका मिलते ही उन्होंने दूल्हे के पिता के पास से जेवरात वाला बैग साफ कर लिया और वहां से 9:00-11:00 हो गए। अचानक बैग गुम होने से दूल्हा पक्ष परेशान हो गया और इसकी सूचना पुलिस को दी गई। इस बैग के साथ 19,000 रुपये की नकदी और लाखों के जेवरात चोरी हो गए, जिसमें सोने की नथ, मांग टीका, 1.25 तोले का मंगलसूत्र, चांदी की पायल व बिछुए इत्यादि लाखों के जेवर थे। इससे बड़ी फजीहत हो गई। सूचना के बाद पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा कायम करते हुए गहन छानबीन शुरू की और CCTV फुटेज खंगाली। इसके बाद फुटेज में दो संदिग्ध लोगों का पता चला तो उनकी तलाश की गई। गत दिवस इन दोनों को मोदी मैदान के पास से दबोच लिया गया। इनके पास से 2150 रुपये तथा उक्त जेवरात बरामद किए गए हैं। दोनों को जेल भेज दिया गया है। उत्तराखंड की ब्रेकिंग न्यूज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।